वाले अब खेल नहीं, जारी होगी नोटिस। प्रेमी के मोबाइल के खातिर बहन ने ही छोटी बहन को मौत के घाट उतार डाला। अब खबरें विस्तार से। पब्लो यादव हत्याकांड, हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए परिजनों संग गर्भवती पत्नी का धरना। आगरा के सिकंदरा में प्रॉपर्टी डीलर बबलू यादव की हत्या का खुलासा 43 दिन बाद भी नहीं हो सका है। पुलिस की ढीली कार्रवाई से आक्रोश परिजन के साथ एसएसपी ऑफिस पर धरना दे रहे हैं। मृतक की पत्नी गर्भवती है। मंगलवार की सुबह मृतक के परिजनों से मिलने पहुंचे, इसी बीच एसएसपी से नोकझोंक हो गई। नाले में सीवर बहाने वाले की अब खेल ने जारी होगी नोटिस। आजमगढ़ मुबारकपुर में पीलिया का प्रकोप फैलने का स्पष्ट कारण अब तक सामने नहीं आ सका है। स्वास्थ्य मुकम्मा जहां नगर पालिका के दूषित पानी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, तो वहीं मनपा प्रशासन उन पर कार्रवाई का मन बना लिया है। जो शौचालय का नापतन सीधे मनपा के नालों नालिया में बहाते हैं। प्रेमी के मोबाइल के खातिर बहन को ही मौत के घाट उतार दिया छोटी बहन। जब आप बीती बताई तो होश ही उड़ा दिए। यूपी के इटावा जिले में सिविल लाइन थाना क्षेत्र के अंतर्गत सरायसर में प्रेमी द्वारा दिए गए मोबाइल को तोड़ने से नाराज बहन ने अपनी छोटी बहन की हत्या कर दी थी। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने हत्या के प्रवक्त उससे स्कार्फ को भी बरामद कर लिया है। सोमवार को कार्रवाई के बाद उसे जेल भेज दिया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक दोनों में विवाद हो चुका था। बड़ी बहन ने जब छोटी बहन चुपके से बात कर रही थी तब बड़ी बहन को गुस्सा आया था। उसी बीच उसने गला दबाकर मौत के घाट उतार दिया था। साइकिल